guys and welcome back to Economics with SK. आज हम पढ़ने वाले हैं domestic territory और economic territory में क्या connection है और इसका domestic income से क्या connection है. Next, normal resident क्या होता है और citizenship और residentship में क्या difference है और इनका national income से क्या connection है. यह basic concept है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच फर्क समझने के लिए. तो शुरुआत करते हैं आज की. तो शुरुआत करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है. डोमेस्टिक टेरिटरी की आप बात कर रहे हैं जब नेशनल इनकम कैलकुलेशन के एस्पेक्ट में, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग, सिंपली मीनिंग डोमेस्टिक टेरिटरी का ये होता है कि भी जो हमारी बाउंड्री है, जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो बाउंड्री है, जो पॉलिटिकल टेरिटरी है, वो पॉलिटिकल टेरिटरी को ही हम जो है थोड़ा सा नक्शा गलत बनवा है. जो हमारी पॉलिटिकल टेरिटरीज है वो पॉलिटिकल टेरिटरी को ही हम क्या बोलते हैं, वो ही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है. लेकिन जब आप बात कर रहे हैं नेशनल इनकम के एस्पेक्ट में, तो यहां पर हम डोमेस्टिक टेरिटरी से मतलब समझते हैं उसकी इकोनॉमिक टेरिटरी. अब इकोनॉमिक टेरिटरी इट मीन्स जहां पर भी हमारे देश के एक पर्टिकुलर कंट्री की जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो देश के अंदर जो परफॉर्म हो रही है वो तो हो ही रही है, जितना भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो देश के अंदर हो रही है वो तो हो ही रही है. लेकिन इसके अलावा हमारे देश से बाहर भी हमारे जैसे कि सीप है, तो जो हमारे सीप वगैरह जो चल रहे हैं, जो हमारा सी वाला जो एरिया है, तो वहां पर जो हमारे जहाज वगैरह की जो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, तो वो भी इसमें काउंट होगी. इसके अलावा जो हमारे एयरवेज के थ्रू, मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी हमारे एयरवेज, हमारे सीप, जो भी हमारे कंट्री के चीजें हैं, जो भले वो कंट्री के बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इसी में अपनी कंट्री में ही काउंट होंगे, अपने टेरिटरी में ही काउंट होंगे. इसके अलावा जो हमारी फॉरेन एम्बेसी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो एम्बेसी, मान लीजिए हमारी एम्बेसी यूएस में, तो जो फॉरेन एम्बेसी, इंडिया की फॉरेन एम्बेसी जो यूएस में है, वो भी कहां काउंट होगी, वो भी इंडिया में काउंट होगी. फॉरेन एम्बेसी हमारी दूसरी किसी कंट्री में, मान लीजिए चाइना में हमारी एम्बेसी है, तो वो हमारी जो एम्बेसी है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी, राइट. तो डोमेस्टिक टेरिटरी से मतलब यहां पर यह है कि ऐसी वो सारी इकोनॉमिक टेरिटरी या वो सारी चीजें जहां पर हमारे कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है या प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, वो सारा एरिया डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा. इट मीन्स जब भी नेशनल इनकम के एस्पेक्ट में बात होती है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, तो उसमें आपका जो पॉलिटिकल टेरिटरी वो तो रहेगी सही, साथ में सीप, एयरवेज और एम्बेसी, ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, ठीक. तो ये है डोमेस्टिक टेरिटरी. अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम. अब बात करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट क्या है. नॉर्मल रेसिडेंट, देखिए नॉर्मल रेसिडेंट के पहले बात करते हैं रेसिडेंट क्या. रेसिडेंट इट मीन जो भी हमारे देश में रह रहा है वो सबके सब रेसिडेंट है, राइट. नेक्स्ट यदि हम बात करें कि सिटीजन क्या होता है. सिटीजन इट मीन जो भी किसी पर्टिकुलर कंट्री में पैदा हुआ है, बॉर्न हुआ है, या फिर गवर्नमेंट लीगली किसी को सिटीजनशिप दे दी हो, तो वो व्यक्ति उस देश का सिटीजन कहलाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए हम बात करें, तो हम जैसे मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं, तो मैं इंडिया का सिटीजन तो रहूंगा ही सही, भले मैं अमेरिका चल जाऊं, यूएस चल जाऊं, जापान चल जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, तब भी मैं सिटीजन तो इंडिया का ऑलवेज रहूंगा. लेकिन यदि मैं, मान लीजिए कि मैं किसी दूसरे कंट्री चला गया, मैं जापान चला गया, और जापान में मान लीजिए कि मैं एक साल से ज्यादा टाइम से रह रहा हूं, तो वहां का मैं रेसिडेंट बन जाऊंगा, लेकिन सिटीजन तो ऑलवेज मैं इंडिया के ही रहूंगा, मैं ऑलवेज रहूंगा तो इंडियन ही, राइट. तो सिटीजनशिप की हम यहां बात नहीं करेंगे. नेशनल इनकम जो है वो काउंट सिटीजनशिप के बेसिस पर नहीं होगी. सिटीजनशिप के बजाय ये काउंट होगी रेसिडेंटशिप की बेस पर, राइट. और रेसिडेंट में भी कौन सा रेसिडेंट, हम यहां कंसिडर करेंगे उसको नॉर्मल रेसिडेंट, यानी कि कोई इस देश में रह रहा हो, भले वो सिटीजन कहीं का भी हो, वो भले चाइना से आया हो, जापान से आया हो, कहीं का भी हो, नेपाल से आया हो, भूटान से आया हो, लेकिन हमारे देश में रह रहा है,
और कितने टाइम से रह रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम आप समझिए कि वन ईयर से वो यहां पर रह रहा हो, ऑन एन एवरेज वन ईयर से यहां रह रहा हो और उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी यहां पर परफॉर्म कर रहा हो, राइट। वैसे ये एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसा कोई इसका कोई वो नहीं है कि भाई एग्जैक्ट वन डे भी कम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, मतलब कि वो व्यक्ति यहां पर रह रहा हो लगभग ऑन एन एवरेज एक ईयर वन ईयर से, और इसके अलावा वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि वो अपना रोजी रोटी वगैरह भी यही से कमा रहा हो, वो दोनों चीजें जी यही परफॉर्म कर रहा है, तो वो इस देश का नॉर्मल रेसिडेंट है, राइट। तो अब आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात ये है कि हमने ये इन सब चीजें पढ़ी ही क्यों, डोमेस्टिक टेरिटरी या नॉर्मल रेसिडेंट हम के बारे में हम क्यों जाना चाहते थे। देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की यानी कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री में जितनी भी इनकम जनरेट हुई है, वो बाउंड्री में जितनी भी इनकम जनरेट हुई है बाउंड्री के अंदर वो इनकम कहलाएगी डोमेस्टिक इनकम। कौन सी इनकम कहलाएगी? डोमेस्टिक इनकम, राइट। तो डोमेस्टिक इनकम का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? टेरिटरी से। डोमेस्टिक इनकम का डायरेक्ट कनेक्शन टेरिटरी से, किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में जनरेट की हुई इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, भले वो किसी ने भी की हो पर वो टेरिटरी में हमारे देश के बाउंड्री के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हुई है वो हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम है, राइट। लेकिन हमारे देश के जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, हमारे देश के जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, ये जितने भी हमारे देश में रेसिडेंट्स हैं, इन रेसिडेंट्स की जो इनकम है, इन लोगों ने जो इनकम जनरेट की है, भले वो किसी भी टेरिटरी से जनरेट की हो, ये रहते यहां हैं, लेकिन इन्होंने भले अमेरिका से कमाई की हो, जापान से कमाई की हो, चीन से कमाई की हो, किसी भी देश से कमाई की हो, किसी भी देश से कमाई की हो, लेकिन कमाई की किसने है? हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स ने। तो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट ने यदि वो इनकम जनरेट की है तो वो कहलाएगी नेशनल इनकम। क्या कहलाएगी? नेशनल इनकम। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक इनकम जो है वो एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, वेयर एज नेशनल इनकम जो है वो एक रेजिडेंशियल कॉन्सेप्ट है, कि नेशनल इनकम रिप्रेजेंट करता है उस देश के रहने वाले लोगों की, उस देश के रहने वाले नॉर्मल रेसिडेंट्स की, और डोमेस्टिक इनकम रिप्रेजेंट करता है उस देश की टेरिटरी में जनरेट होने वाली इनकम की, राइट। तो नॉर्मल रेसिडेंट ने जो इनकम जनरेट की उसको हमने बोला नेशनल इनकम, और जो टेरिटरी में जनरेट हुई नेशनल इनकम और जो टेरिटरी में जनरेट हुई उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। यानी कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मान लीजिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और हमने डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर लिया, हमने डोमेस्टिक इनकम मान लो कैलकुलेट कर ली, तो हम यदि इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एब्रोड से जो मिल जा रही हमें इनकम है, अब वो क्या होता है फैक्टर वगैरह आप बाद में समझेंगे, लेकिन जितनी भी इनकम हमें विदेश से हुई है वो वाली इनकम है प्लस करते हैं, वैसे उसको एनएफआईए बोलते हैं, एनएफआईए क्या होता है बाद में समझेंगे, लेकिन डोमेस्टिक इनकम हमें मिल गई उसके बाद यदि हम विदेशों से मिल जा रही जितनी भी इनकम है, फॉरेन से जितनी भी इनकम हुई है उसको हम यदि प्लस करते हैं, हमारे देश के जो नॉर्मल रेसिडेंट है जिन्होंने विदेशों से जो पैसे कमाया है, जो यहां से गया वो माइनस और जो वहां से आया वो प्लस, और यदि हम इसको भी प्लस कर देते तो हमें क्या मिल जाता है? नेशनल इनकम मिल जाता है, ठीक। खैर ये इसका फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन क्या है, ये हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ आपको इतना बताना था कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी इट मीन्स हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी, और नॉर्मल रेसिडेंट यानी कि जो व्यक्ति एक साल से ज्यादा समय से हमारे देश में रह रहा हो, ठीक। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के फॉर्मूले क्या है, तो शुरुआत असल में नेक्स्ट वीडियो से होगी, तब तक के लिए अलविदा।